भिंड जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक जवान का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। आसमान पर चढ़ते ही उसने अपनी वर्दी फाड़ दी, साथ ही एसपी के बाहर निकलकर जमकर हंगामा करने लगा। आरक्षक का हंगामा देखकर आसपास के लोग भी भीड़ एकत्रित हो गई। हंगामे के दौरान डीएनडीजी एसपी कमलेश कुमार के अलावा अन्य अधिकारियों ने जवान को समझाते हुए नजर आए। क्या है पूरा मामला ये समझाते इस खबर में। शिकायतकर्ता संदीप राठौर आरक्षक सुल्तान सिंह का परिवार उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का रहने वाला है। वह आरक्षक सुल्तान सिंह के परिवार के संदिग्ध से पैसे उधारी लिए थे, जो समय सीमा पर निकलने के बाद चुका नहीं पाया। पैसे मांगने के लिए संदीप सिंह आरक्षक सुल्तान सिंह के पास पुलिस लाइन पहुंचा, जहां पैसे की बात सुनते ही आरक्षक का सुल्तान सिंह से विवाद उखड़ा हो गया और संदीप राठौर का मोबाइल छीनकर उसे धमकी देने लगा। इस बात की शिकायत डीएसपी हेडक्वार्टर अरविंद शाह के पास पहुंची गई, जिसके बाद डीएसपी हेडक्वार्टर इस मामले की जांच करने के लिए पुलिस जवान सुल्तान सिंह को ओर से शिकायतकर्ता को वापस को बुलाया, जिसमें आरक्षक को डांटते हुए डीएसपी अरविंद शाह ने पूछा, तुमने मोबाइल कैसे छीन लिया। बस इस बात जवान को खटक गई और आक्रोशित हो गया। वहीं पीड़ित पक्ष पर आरोप लगाते हुए अपनी वर्दी फाड़ते हुए बोला, साहब पुलिस 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 की नहीं सुन रही तो मेरी क्या सुनेगी, वर्दी पहनने का कोई मतलब नहीं। एसपी कार्यालय जवान की काफ़ी आक्रोशित हो गया, जिसके बाद जवान सुल्तान सिंह वर्दी फाड़कर हंगामा करते हुए कहा, मेरा परिवार संदीप का ब्याज चुकाते चुकाते कंगाल हो चुका है, उसकी जमीन तक बिच गई, जिसके लिए आप उसको पैसे देने के लायक नहीं। सर, एक आरक्षक ने आपके ऑफिस के बाहर जोरदार हंगामा किया, क्या मामला है सर? ये आज अभी दोपहर में मैं चैम्बर में बैठ के जन सुनवाई कर रहा था, इस बीच में एक आवेदक आया था। आवेदक जिला जालौन का रहने वाला था, संदीप सिंह राठौर पुत्र श्री महेंद्र सिंह निवासी बावली। इसके द्वारा आवेदन दिया गया कि पुलिस लाइन में हमारे पुलिस लाइन में एक आरक्षक जो कि निवास करता है, आरक्षक सुल्तान सिंह, इसके द्वारा इससे पैसे उधार लिए गए थे और उधार पैसे मांगने को लेकर के यहाँ पर जब वो आया था, उसके द्वारा बुलाया गया था, वो आया तो उसकी मोबाइल छीन ली गई और उसके साथ मारपीट की गई, ऐसा करके उसने आवेदन दिया। चूंकि उसके द्वारा आवेदन दिया गया तो आरक्षक यही पुलिस लाइन में ही निवास करता है, इसलिए उसको यहाँ पर हमने चैम्बर में मामले को क्लियर करने के लिए बुलाया था। लेकिन जब चैम्बर में आरक्षक आया तो मैंने जैसे इस मैटर के बारे में मैंने उससे बात करने की कोशिश की, तो चूंकि काफ़ी आवेग में था, पूर्व का उसका जो भी विवाद हो उसमें काफ़ी आवेग में था, तो मुद्दे पर बात करने की बजाय उसने वर्दी को फाड़ते हुए अपने चैम्बर के बाहर निकल गया और वहाँ पर जोर जोर से आवाज़ करने लगा, उसके बाद मामले को शांत किया गया। सर, इसमें क्या कार्रवाई हो रही है? सर, आरक्षक ने जो भी घटनाक्रम मैंने आपको अभी बताया, इसी घटनाक्रम के संबंध में हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रतिवेदन दिया है, उसके द्वारा श्रीमान के द्वारा निर्णय लिया जाएगा।